आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन में दिया गया है, इन एंजियोस्पर्म, एंडोस्पर्म इज फॉर्मड बाय, एंजियोस्पर्म प्लांट के अंदर जो एंडोस्पर्म है वो कैसे फॉर्म होगा। फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन से फॉर्म होता है। सेकंड ऑप्शन में दिया गया, डिवीजन ऑफ फ्यूज्ड पोलर न्यूक्लियाई, क्या जो पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज होते हैं उनके डिवीजन से एंडोस्पर्म फॉर्म होता है। सी ऑप्शन में दिया गया, डिवीजन ऑफ फ्यूज्ड पोलर न्यूक्लियाई प्लस मेल गैमेट। सी ऑप्शन में दिया गया, डिवीजन ऑफ फ्यूज्ड सिनर्जिट्स एंड मेल गैमेट। तो चलिए देखते हैं जो एंडोस्पर्म है वो कैसे फॉर्म होता है एंजियोस्पर्म प्लांट के अंदर। ओके, जैसा कि हमें पता है कि पोलन ट्यूब्स के अंदर टू मेल गैमेट प्रेजेंट होते हैं। वन मेल गैमेट है वो किसके साथ फ्यूज करेगा, फ्यूज विद एग, उससे क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा और फर्दर क्या फॉर्म करेगा, एम्ब्रियो को फॉर्म करेगा। ओके, जो सेकेंड मेल गैमेट है वो किसके साथ फ्यूज करेगा, जो टू पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। सेकेंड मेल गैमेट फ्यूज करेगा टू पोलर न्यूक्लियाई, जो दो पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं उनके साथ, और उनसे क्या फॉर्म होगा, जो सेल फॉर्म होगी उसको हम बोलेंगे एंडोस्पर्म। तो जो एंडोस्पर्म है वो हमारी ट्रिप्लॉयड सेल होगी। क्यों? क्योंकि जो यहाँ पे टू पोलर न्यूक्लियाई हैं और वन मेल गैमेट है, जो वन मेल गैमेट है वो हैप्लॉयड सेल है और जो टू पोलर न्यूक्लियाई है वो डिप्लॉयड सेल है। तो हैप्लॉयड और डिप्लॉयड के फ्यूजन से जो एंडोस्पर्म बना है वो ट्रिप्लॉयड होगा। तो इस वोल प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन, जो कहाँ होता है, एंजियोस्पर्म प्लांट के अंदर। तो चलिए अब देखते हैं जो ये एंडोस्पर्म फॉर्म हुआ है ये किसके फ्यूजन से फॉर्म हुआ है, एक मेल गैमेट के फ्यूजन से और टू पोलर न्यूक्लियाई के फ्यूजन से। ओके, फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन ऑफ मेगास्पोर, जो कि बिल्कुल गलत है। मेगास्पोर के फॉर्मेशन से, मेगास्पोर के डिवीजन से कभी भी एंडोस्पर्म नहीं फ्यूज होता, नहीं बनता है। एंडोस्पर्म को फॉर्म करने के लिए मेल गैमेट का फ्यूजन होना बहुत ज़रूरी है। बी ऑप्शन में दिया है, डिवीजन ऑफ फ्यूज्ड पोलर न्यूक्लियाई, बिल्कुल गलत है। फ्यूज्ड पोलर न्यूक्लियाई के डिवाइड करने से विदाउट मेल गैमेट, अगर सिर्फ पोलर न्यूक्लियाई डिवाइड करेंगी तो एंडोस्पर्म फॉर्म नहीं होगा। सी ऑप्शन में दिया गया है, डिवीजन ऑफ फ्यूज्ड पोलर न्यूक्लियाई, फ्यूज्ड पोलर न्यूक्लियर एंड वन मेल गैमेट, जो करेक्ट आंसर है। हमने अभी देखा था कि एक मेल गैमेट टू पोलर न्यूक्लियर के साथ फ्यूज करेगा और उनके अंदर जब डिवीजन का प्रोसेस होगा तो लास्ट में हमारा क्या फॉर्म होगा, एंडोस्पर्म फॉर्म होगा। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है सी, डिवीजन ऑफ फ्यूज पोलर न्यूक्लियर एंड मेल गैमेट। सी ऑप्शन में दिया गया है, डिवीजन ऑफ फ्यूज्ड सिनर्जिट्स एंड मेल गैमेट, जो कि बिल्कुल गलत है। जो सिनर्जिट्स होते हैं वो कभी एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म की एंड फॉर्मेशन में कभी भी यूज नहीं होती है। जो सिनर्जिट्स हैं उनके ऊपर फिलीफॉर्म एपरेटस प्रेजेंट होता है, जो मेनली क्या करते हैं, जो पोलन ट्यूब को अट्रैक्ट करने का काम करते हैं। कभी भी पोलन जो सिनर्जिट्स हैं वो फ्यूजन के प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं करती हैं। तो इसलिए डी ऑप्शन भी गलत है। जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारा सी। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।